Assalamualaikum everyone, hope आप सब खैरियत से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हूँ। और ये मेरी एक्टिंग उतार रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो अभी हो चुका है सहरी का टाइम और अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं इस किचन में जाके, जैसे कि मैं जाती हूँ हमेशा से। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी किसी ने ऊपर से बैल बजाई और रूशी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके सीधा आ रही थी और सीधा इसका पैर फिसला और इसके बेचारी के चोट लग गई। मुझे बहुत तकलीफ हुई कि मेरी बीवी देख ही नहीं रहे कैमरे में, मेरी बीवी के चोट लग गई, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। फिर मैंने सोचा चलो कभी कभी कुछ होना भी कुछ भी बिना बात के कुछ भी फालतू। हाँ, कपड़े तो तुम डेली चेंज करती हो, तो चूड़ियां तुम क्यों ये वाली पहनी रहती हो? मुझे ये कलर पसंद है इस वजह से। तो मैंने इनसे बोला कि मेरी ये वाली पूरी चूड़ियों से भरे, और ये देखिए ये भी सारी निकालिए और आप सिलेक्ट करके बताइए अभी कौन सी पहनूं मैं। निकाले निकाले, तो वही सी मैं मैच हो रही है। नहीं, आप निकालो अब चूड़ियां। नहीं नहीं, मत करिए, तो इससे ये मैच हो रही है। नहीं, निकालो अब आप चूड़ियां। यही मैच हो रही है, वरना तेरे ही लगा दूंगा परफ्यूम। निकाल रहे हो या नहीं? अच्छा तो लाओ, तुम नाराज मत हो, अभी उसे देता हूं। नहीं नहीं, अब मैं यही चूड़ियां पहन रहूंगी, पूरी जिंदगी यही पहनूंगी अब मैं, कभी अफसोस की बात। जबानों को मरून है, एक सेकंड मरून है ही नहीं इनके पास। ओहो, शादी ब्याह वाली चूड़ी दे रही थी तुम। अभी मैं बाकायदा सेट बना के दूंगा, टेंशन सेट बना के देंगे ये चूड़ी वाले। बना मतलब ये चूड़ी का काम करा है आज, ये चूड़ी वाले बने हुए। देखो देखो, इससे ये रेड वाली और इससे पीली वाली, ये जी जी। तो आप सेट बना के दो ना, दोनों सेट बना दी मैंने। तो ये सेट है? हाँ, इतना सेट बहुत है। अच्छा। नहीं नहीं, है की है की है की है की। अच्छा अच्छा, नहीं ये तो एक सेट हो गया, दिखाइए। ये लो जी, ठीक है जी। प्यारा लग रहा है बहुत, वाओ प्यारा सेट बनाया आपने, बहुत प्यारा। चलिए आप पहनाइए। नहीं पहन लो, नहीं अब आप पहनाइए। लो शुक्रिया। ओके, तो इन्होंने मुझे ये चूड़ियां पहनाई। भाई देखना, गलत सेट कोई बनाया मैंने? बाज देख लो, इन्होंने सेट बना के दिया मुझे। सही है। देखिए ये दोनों भाई बहन कैसे फोन चला रहे हैं, सहरी का वक्त हो रहा है। सहरी कर लीजिए, ठीक है, अजान हो जाएगी। तहज्जुद की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। खाना लग चुका है, खाना खा के आप तहज्जुद पढ़ लेना। तो लीला से हम बैठ चुके हैं दस्तरखान पर और मैं आपको खाने में दिखाता हूँ आज क्या क्या है। दूध बंद, फिर कीमा और सबसे पतला कीमा, थोड़ा मोटा कीमा, थोड़ा थोड़ा मोटा कीमा, चिकना कीमा, चिकना नहीं, बाल वाला, बाल वाला कीमा, बरबरे बकरे वाला कीमा। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी सहरी हो चुकी है कंप्लीट और अब ये लोग कर रहे हैं सहरी। तो चलिए मैं तो चलता हूँ तहज्जुद पढ़ने के लिए, उस वक्त तो पढ़ी नहीं मैंने, अब पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी सहरी हो चुकी है कंप्लीट और अभी जो है हम लोगों ने काफ़ी जल्दी आज सहरी कर ली है। अभी पूरा एक घंटा बाकी है और मैं अभी कुरान शरीफ पढ़ रही थी और अभी मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है। मैं पहले तहज्जुद नहीं पढ़ती थी बट शैल ने मुझे बहुत समझाया, शैल ने मुझे बोला कि नहीं तहज्जुद पढ़ा करो, तहज्जुद पढ़ने से तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने जब स्टार्ट करा तो मुझे वाकई में ऐसा लगा कि दिल को बिल्कुल सुकून। वैसे तो नमाज़ मैं कभी पढ़ती थी कभी नहीं पढ़ती थी, मेरा ऐसा मामला हो रहा था, मैं आपको ऑनेस्ट बता रही हूँ सीरियसली। फिर मैंने जब नमाज़ पढ़ने स्टार्ट करी अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब दिल को सुकून मिलता है और बहुत अच्छा फील होता है। तो अगर आपको कुछ भी डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, टेंशन है, वो सारे चीज़ों की एक ही नमाज़, तो आप लोग भी नमाज़ पढ़ा करें। तो आप देख सकते हैं 5:30 हो गए हैं और मैं अब सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो चलिए आप लोगों से मिलेंगे इफ्तार के टाइम पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी हूँ। तो अभी जो है हम 5:30 हो गए हैं और हम चल रहे हैं इफ्तार की प्रिपरेशन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं आज क्या क्या हम करने वाले हैं। और शैल अभी बाहर गए हुए हैं, शैल आएंगे लेट। तो चलिए चलते हैं किचन में। अपने हम तो थके हुए सोए थे, तबीयत खराब है मेरी, तो दवाई से लेकर आता, दवाई अभी तो लेके आऊंगा, जो थोड़ा खोल लूं और जरूरत है मैं खा लूं। अरे दवाई लेकर आओ, सहरी में खाओ, सहरी में बनाएंगे तुम्हें। कल मुझसे किसने हरी मिर्च ज्यादा बनवाई थी? किसने कौन है हरी मिर्च ली वो ये पकौड़ी और प्याज की? मैं चला गया था, मैं तुम पता नहीं रात को पापा सुबह ही भरा पता है, भूल जाते पापा की कल ज्यादा कमजोर हो रही है। होगी नहीं है, क्या हो गया? हरी मिर्च के दाने निकल रहे हैं। एक मोटी वाली हरी मिर्च पांच ही 10 मिनट बस, आधा घंटा अभी पूरा पूरा नहीं मिलता। वैसे अगर आप इंतजार करता खाना, इंतजार नहीं कराना है खाना, बट रोजे का तो इंतजार ही आया है। तो इंतजार आया है, बैठ के आपको घंटों तक मांगते रहो, आपकी दुआएं पूरी होंगी। वो बात अलग है, अब हम बैठेंगे ही नहीं तो फायदा क्या, काम कर रहे हैं। मेरी पकौड़ियाँ बन चुकी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने कौन कौन सी पकौड़े बनाई। चलिए मैं वो मैं दस्तखान पे दस्तखान पे आपको दिखाऊंगी। और अभी शैल नहीं आए, शैल कभी काम से बाहर गए, हमें पता नहीं कब तक आएंगे। कॉल भी शैल को कॉल की थी भाजी, जैद भाई को कॉल की थी, क्या कह रहे हैं? शैल अभी काम से बाहर हैं, वो पता नहीं कब तक आएंगे। तो चलिए पहले दस्तखान लगा लेते हैं, और अभी टाइम होने ही वाला है शायद आवे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शैल और मेरी लड़ाई हो गई थी, लड़ाई नहीं मतलब हम लोगों की कुछ बहस हो रही थी, और शैल मुझसे नाराज़ हो गए और वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। और अभी वो आ चुके हैं घर पर, किसी को नहीं पता घर में भी कि वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, कि उनका मुँह बना हुआ है। इसीलिए उन्होंने व्लॉग भी नहीं बनाया, व्लॉग शूट भी नहीं करा। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो आज उनका मूड कैसा और वो क्या कर रहे हैं। देखिए सारी बोतलें चिकनी पड़ी होती हैं। बना लिया रूब जवा जी? हाँ बना लिया, चलो खा। तो देखिए ये मुझसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं और मुझे फुल इग्नोर कर रहे हैं। मैं भी इन्हें इग्नोर ही कर रही हूँ, बट मैं इनको आपको दिखा भी रही हूँ कि देखिए ये कैसा बिहेव कर रहे हैं, मुझे हंसी भी आ रही है। तो हम सब दस्तखान पर बैठ चुके हैं और मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ दस्तखान में क्या क्या है। ये है पालक की पकौड़ी, ये है प्याज की, ये हरी मिर्च, छोले छोले बोलते हैं, छोले चने, फ्रूट्स, चटनी, आलू की और हरी मिर्च की पकौड़ी, फ्राई, दूध, जैद, बाजी, शैल, पापा। मुझे इस टाइम पर इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी, बस मैं क्या बताऊँ, शैल मुझे बिल्कुल इग्नोर करो, मुझे इतनी कंट्रोल करी थी मैंने हंसी। वैसे ऐसा बिहेव कभी करते नहीं है, बात कर लेते हैं कितनी भी नाराज़ होते हैं मुझसे, लेकिन अभी ऐसे कर रहे थे तो हंसी आ रही थी। और देखिए रोज़े के टाइम पे कैसे दूर बैठे हुए हैं मुझसे, वरना हमेशा रोज़े के टाइम में मेरे पास बैठ कर मुझसे कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, और अभी देखिए कैसे चुपचाप बैठे हुए हैं शरीफ बच्चों की तरह। तो मुझे हंसी भी आ रही थी, मैं इन्हें इग्नोर कर रही हूँ, मैं भी इनको बिल्कुल मैं भी इनसे बात नहीं कर रही थी, ये भी मुझे फुल इग्नोर कर रहा है, और इतना वियर्ड भी फील हो रहा है और हंसी भी आ रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या रिएक्ट करूँ, बस मैं नॉर्मल थी। और दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ, अपने काम भी सारे खुद ही कर रहे हैं, मुझसे बिल्कुल भी नहीं कह रहे कुछ भी, वरना बाजी से मुझसे कह देते थे। आज कुछ नहीं, बिल्कुल चुपचाप बैठ कर आराम से रोज़ इफ्तार कर रहे हैं, व्लॉग भी नहीं बना रहे, व्लॉग में देख भी नहीं रहे, कैमरा पर भी नहीं देखा एक बार भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी इफ्तारी हो चुकी है कंप्लीट, और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। और माशाल्लाह से 16 रोज़े पूरे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे 16 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं। आज 16 रोज़ा था, और ऐसा लग रहा है कल की बात है, और रमज़ान कल ही स्टार्ट हुए थे, 3 जुमा भी कम्प्लीट हो चुके हैं। सो चलिए इस व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ,
और आप लोगों से मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए और छोटे बड़ों से प्यार करिए, रिस्पेक्ट करिए और बस। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। आप लोगों से इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए अपना। दुआ में याद रखिए अपना। सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आपको पता है आज के व्लॉग में मैं नहीं था, थोड़ा सा मैं बाहर था। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नए व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए हमें दुआएं देते रहें और हम दुआ कर ही रहे हैं सबके लिए। और हमारे व्लॉग को शेयर करते रहें अपने फैमिली फ्रेंड्स के अंदर और बहुत सारा हमें प्यार देते रहें। और हमें बताएं कि आपको कैसे व्लॉग चाहिए, किस तरीके के व्लॉग चाहिए। इंशाल्लाह आपको वैसे भी व्लॉग देंगे और इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी हम बाहर के भी व्लॉग देंगे आपको। तो दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।